नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है, ये वीडियो मेरी बहनों के लिए है, मेरी बहनों, मेरे सिस्टर्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके और आपके पति के बीच अब उतनी नहीं बन रही जितनी पहले बनती थी? कई लोग आप लोगों के जोड़ी की तारीफ करते थे, जोड़ी हो तो आप दोनों जैसी, हम लोग तो झगड़ा करते रहते हैं, आप लोग में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। इस तरह की लाइनें कभी आप सुन चुके हैं और आज आप दोनों बिल्कुल उसी तरह झगड़ रहे हैं जैसे वो लोग झगड़ते थे। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई ग्रह है, कोई नक्षत्र है, कुंडली में कोई घर ऐसा कुंडली मार के बैठ गया है किसी ग्रह के साथ जो छोड़ ही नहीं रहा? पति पत्नी वाला जो घर होता है उस घर में शायद शनि और मंगल बैठा है, शायद राहु ने अपनी सीधी दृष्टि डाल दी है। क्या हो रहा है, नहीं बन रही पति के साथ, पति सुन ही नहीं रहा आपको, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, आपको अच्छी साड़ी लाकर दे रहा है, आपके खर्चे सारे उठा रहा है, बस मन मुटाव हो रहा है दोनों में। और इस मन मुटाव में बहस तो हो जाती है दोनों में, लेकिन बहस के बाद आपको भी गिलानी लगती है और पति को भी। कितनी भी दूरियों को कम करने की कोशिश हो रही है पर नहीं हो रहा है, क्या करें? बहनों, आज एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, बड़ा छोटा सिंपल उपाय है, कर लीजिए और बिल्कुल आपका पति आपकी मुट्ठी में होगा। अब बिल्कुल मेरे भाइयों, ये गलत बात ना सोचे कि दीदी बता रही है कि आपका पति आपकी मुट्ठी में होगा फिर ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। आखिर पति पत्नी की मुट्ठी में ना रहे तो किसकी मुट्ठी में जाए? पत्नी हमेशा पति के प्रेम से बंधी रहे और पति हमेशा पत्नी के स्नेह से बंधा रहे और इस बंधन के बीच कभी कोई तीसरा ना आए, यही संसार है, संसारिक सुख है यही। कहते हैं कुछ पत्नियां चाहती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे, मैं कहती हूं क्या गलत है, पति अगर पत्नी की मुट्ठी में ना रहे तो किसकी मुट्ठी में रहे? पत्नी अगर पति की मुट्ठी में ना रहे तो किसकी मुट्ठी में रहे? ये प्रेम ऐसा, ये बंधन है पति और पत्नी का, विश्वास का धागा है कि दोनों एक दूसरे की मुट्ठी में रहे तो ही बेहतर है। दुनिया वाले कभी अंदर आ ही ना सके, बस इस मुट्ठी में पति और पत्नी ही रहे। मैं कामना करती हूँ जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, खूब बने उनकी अपनी पत्नियों के साथ, खूब बने उनके अपने पतियों के साथ। फिर भी हो जा रही है कुछ बहस, नहीं सुन रहा है आपका पति, तो मेरी बहनों कर लीजिए एक छोटा सा उपाय, बड़ा सरल इजी उपाय बताती हूँ, धीरे बताती हूँ इसलिए कि सुन लीजिए मेरी सिस्टर इसे और इसे अपने मुँह से ना दोहराएं। ये उपाय जो है इसे अपने मुँह से शब्दों में ना दोहराएं, सुन लीजिए इस वीडियो को, इस उपाय को याद कर लीजिए और किसी से भी कह कर ना सुनाए इस उपाय को। अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी बहन को ये उपाय बताएं, आप अपनी भाभी को ये उपाय बताएं, उनके भी घर में समस्या है, तो आप मेरे इस वीडियो को उन्हें भेज दीजिए या इस उपाय को कागज पर लिखकर उन्हें दे दीजिए, अपने मुंह से ना बताएं, ये बेअसर हो जाता है। आप रोटी बनाती हैं, रोटी बनाइए शांति से, सारी रोटियां बन जाए, गैस मत बंद कीजिए, एक ब्लेड या नेल कटर लेकर रहिए किचन में, रोटियां आप समेट कर रख दीजिए किनारे साफ सफाई के साथ, बिल्कुल सभी को खाना खाना है उस रोटियों को, और देख लीजिए आसपास कोई ना हो, ना बच्चे आपको देख रहे हो, ना आपका पति आपको देख रहा हो, कोई ना हो। गैस कम कर दिया आपने, तवा गर्म है, जल रहा है, सारी रोटियां आपने बना ली हैं। उसके बाद नेल कटर लीजिए और अपनी दसों उंगलियों के, बिल्कुल दाहिने हाथ के 5 और बाएं हाथ के 5, दसों उंगलियों की नाखून को काटिए, नेल कटर से काटिए, ब्लेड से काटिए, आप जिससे काटना चाहती हैं काटिए। आप सोचेंगे दीदी क्या उपाय है, लेकिन एक बार करके देखिए इस उपाय को, जिंदगी ना बदल जाए, आपके घर की दशा ना बदल जाए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए, दो कदम आप बढ़ाइए, दो कदम हम बढ़ाएं और चलो जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। ये एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक उपाय है, जिन्होंने भी किया उन्होंने फोन करके मुझे थैंक यू कहा, उन्होंने लिख कर मुझे थैंक यू कहा, दीदी हमारे काम हो गए। कई मेरी बहनें ऐसे हैं जिनके पति उन्हें पैसे नहीं देते, कमाता तो खूब है दीदी, हमें नहीं देता, एक रुपया नहीं देता है, वो इस ये टोटका उनके लिए भी है, सिर्फ बात मानने की बात नहीं है, ये टोटका उनके लिए भी है, जिनके पति बिल्कुल खर्चा नहीं उठाना चाहते अपनी पत्नी के, ये टोटके उनके लिए भी है। कुल मिलाकर पति और पत्नी के संबंध को सुधारने का ये टोटका है। तवा जल रहा है, बिल्कुल गैस कम कर दिया आपने, रोटियां बनाकर हटा लिया आपने, दसों उंगलियों के नाखून को काटिए, बिल्कुल आप अगर ये टोटका करना चाहती हैं तो एक हफ्ते से नाखून ना काटें कि थोड़े से नाखून उगाएं आपके, क्योंकि मुझे दसों उंगलियों के नाखून चाहिए। काट लिया आपने पांचों, ये पांचों दसों उंगलियों के नाखून को तवे पर डाल दीजिए, उसी तवे पर
भूनिए उसे, जैसे हम चना भूनते हैं ना, बादाम भूनते हैं, वैसे 10 उंगलियों के नाखून को हल्का सा भूनिए। गैस बंद कर दीजिए आप। एक सफ़ेद कलर के पेपर पे उसे निकाल लीजिए, तवा को आप मांझने के लिए डाल दीजिए जहाँ आप बर्तन धोती हैं। वो गरम गरम भुने हुए नाखून अपने चुपचाप से उसका पल्ला बंद कीजिए और मन ही मन बोलिए कि बस ये जो 10 उंगलियां हैं, ये जो मेरी दोनों मुट्ठियां हैं, बस मेरा पति इस चंगुल से, प्यार भरे मेरे स्नेह वाले चंगुल से बाहर पूरी जिंदगी ना जाए। उसकी दिन और रात मैं हो जाऊं, उसकी पूरी जिंदगी मैं हो जाऊं, उसके सारे सपने मैं हो जाऊं और उसकी सारी ख्वाहिशें मैं ही हो जाऊं। मेरी ये 10 उंगलियों की नाखून नहीं है, ये मेरे 2 मुट्ठियां हैं और बस इसी में मेरा पति समा जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। ऐसी पॉजिटिव बातें जिस भाषा में आप बोलती हैं, जिस अंदाज से आप बोलती हैं, बोलिए। ईश्वर सारी भाषाएं समझते हैं, हम कुछ ना भी कहें तो वो भी समझते हैं। उपाय चमत्कारिक है, मोड़िए, चुपचाप से रहिए। पति जब नींद से सो जाए, खाना खिलाइए उन्हें अच्छे से, पांव दबाइए, उनकी सेवा कीजिए। जब वो नींद से सो जाए, उनके तकिए के नीचे चुपचाप से इस पेपर फोल्ड को आपको डाल देना है। इतनी सावधानी से करें कि बिल्कुल ही पति को पता ना चले। जो पता चल गया तो ये टोटका तो खत्म हो गया। आप बिस्तर सरियाने के बहाने, आप तकिए को ठीक करने के बहाने तकिए के नीचे डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम ठीक तकिए के नीचे डालेंगे तो मेरा पति तकिया हटा कर देख लेगा, वो रात भर में कई बार तकिया इधर उधर करते हैं, तो आप इस पुड़िए को जहाँ तकिया है आपके पति का, उसके नीचे, गद्दे के नीचे रख दें, ताकि हर हाल में उसी पर रात भर आपके पति को सर रख कर सोना है। बस आपको इतना ही करना है। सुबह आपका पति जब बिस्तर छोड़कर उठकर चला जाए, बाहर ऑफिस चला जाए, बाथरूम चला जाए, कहीं भी चला जाए, आप चुपचाप से उसे निकाल लीजिए और किसी भी ठंडी जगह में, सोत बहता है ना, पानी का सोत बह रहा है, खेतों में जो पानी वाली लाइन जाती है, चाहे कि कुएं से जो पानी निकलता है, चाहे एक्स्ट्रा पानी जहाँ से गिरते हो और बहता है, साफ पानी का सोत जहाँ भी बहता हो अब वहाँ बहा दीजिए। पुड़िया खोलकर नाखून ही बहा दीजिए, कागज़ भी फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए। करिए एक छोटा सा उपाय और देखिए बड़ा चमत्कार। ये एक ऐसा चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। कोई कहेंगे हम नहीं मानते, जो नहीं मानते हैं वीडियो स्किप कर दीजिए, मत देखिए, मत मानिए। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर समस्या इतनी बड़ी है, संसार में जो सबसे मजबूत रिश्ता है पति और पत्नी का, और वही बात नहीं बन रही, तो एक छोटा सा टोटका करने में क्या जाता है। एक ऐसा टोटका जिसकी खबर पूरे घर में किसी को ना लगे, जिसके पीछे 1 रुपया भी खर्च ना हो, किसी ढोंगी बाबा को आपको 10,000 रुपये देने की जरूरत नहीं और घर में कोई बहुत पूजा की सामग्री मंगाने की जरूरत नहीं। कर लीजिए मेरी बहनों एक छोटा सा उपाय, हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को अपना बनाइए। आप लोग सुखी रहिए, हर जोड़ी बनी रहे संसार में, कामना करती हूँ। जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत लक्ष्मी माता के द्वार खुल जाए उनके घर के लिए, समृद्धि हो और सब साथ रहें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, और बहुत बहुत धन्यवाद।